Find the equation of a line perpendicular to the line x minus 2y plus 3 is equal to 0 and passing through the point 1 comma minus 2. देखिए रेड वाली लाइन है जो जिसकी हमें इक्वेशन चाहिए, ये पास कहाँ से हो रही है? एक तो 1 कॉमा माइनस 2 से, ये पास हो रही है 1 कॉमा माइनस 2 से, पहली चीज. दूसरी चीज, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है किस लाइन के परपेंडिकुलर है? ये है एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 3 के परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है. ये वाली हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, इसकी हमें इक्वेशन चाहिए. क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले एक लाइन की इक्वेशन बताने के लिए, मान लो ये लाइन है ए बी, एक लाइन की इक्वेशन बताने के लिए मुझे क्या चाहिए? अगर एक पॉइंट मिल जाए और स्लोप मिल जाए लाइन की तो मेरा काम बन जाएगा. तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन बता देंगे. यहाँ पर हमें पता है ये रेड लाइन इस पॉइंट से तो पास हो रही है, इसकी स्लोप निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा. मान लो ये वाली लाइन है सी डी, मैं कहता हूँ ये वाली लाइन क्या है, मान लीजिए ये लाइन है सपोज सी डी, ठीक है. मेरे को बेसिकली रेड वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए और उसका मेरे पास पॉइंट है, बस मुझे स्लोप और चाहिए. अगर स्लोप और पॉइंट मिल जाएगी तो मैं रेड वाली लाइन की इक्वेशन बता दूंगा पॉइंट स्लोप फॉर्म में, ठीक है ना. हमारे पास एक पॉइंट है ए, लाइन ए बी का एक पॉइंट है ए. अगर अब मुझे ए बी की स्लोप मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म से ए बी की इक्वेशन बता सकता हूँ, ठीक है. अच्छा, सी डी की स्लोप हमारे पास है, देखिए स्लोप ऑफ सी डी, फिर जुड़ा हो गए अभी अभी तो मिले हो.